हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर सर आज की वीडियो क्लास में बताना क्या चाहते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज मार रहे हैं कि सर मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेंड किया हूं, सीबीएसई एग्ज़ाम में माय डियर स्टूडेंट क्लास 10 हो ठीक है या 12 हो, मैं क्वेश्चन को सिर्फ अटेंड किया हूँ माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा हूँ, तो क्या मुझे फुल मार्क्स मिलेगा? क्या मेरा मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा? क्या मुझे फेल कर दिया जाएगा? तो मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड का एक रूल है टर्म एंड कंडीशन। अगर कोई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा जा रहा है रमेश के पिताजी कौन है, ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट रमेश के पिताजी मोहन प्रसाद है। लेकिन आप अगर मान लीजिए रमेश के पिताजी मोहन प्रसाद ना लिख के अगर ऐसे लिख रहे हैं मोहन प्रसाद जी जो है इस ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन आप कहीं भी मेंशन नहीं किए माय डियर स्टूडेंट कि रमेश के पिता हैं वो, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मान लीजिए कुछ भी 10%, 20%, 30% कुछ भी अगर मान लीजिए रिलेटेड अगर आंसर काचा काची अगर कोई आंसर लिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट तो आपको मार्क्स मिलेगा, मार्जिन नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट पूछ क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है और आंसर कुछ और लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको एकदम मिनिमम मार्क्स मिलेगा, लेकिन मार्क्स मिलेगा। तो यह खुशखबरी जान के माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग सारे स्टूडेंट हैप्पी हो जाइए। अगर कोई आंसर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आप लिख तो रहे हैं या लिख के आए तो हैं, लेकिन आपका फुल कॉन्फिडेंस नहीं है उस आंसर में, कमांड नहीं है कि मेरा वो आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ आप लोग को मार्क्स मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। जब रिजल्ट पब्लिश होगा तो आप देख लीजिएगा, आप जितना एक्सपेक्टेशन सोचे थे कि मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? और भी अगर कुछ आप लोग के पास डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स तो आप क्या कीजिए मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और फिर कब मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ, इंग्लिश एंड आर्ट्स का क्लास कराता हूँ सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड का, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 3 नंबर 2 नंबर से अगर कम मार्क्स के लिए अगर फेल भी हो रहा तो उसको पास कर दिया जाएगा। अब बेफिक्र रहिए, आप जो है आराम से रहिए, आप क्लास 11 का प्रिपरेशन कीजिए, आगे का प्रिपरेशन कीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए, लेकिन आप डरिए मत, आप ज़्यादा जो है भावुक मत होइए, ज़्यादा टेंशन मत आइए। क्लियर है? मेरे चैनल में अगर न्यू है माय डियर स्टूडेंट, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।